अब बात करते हैं उन डिसऑर्डर्स की जिनकी वजह से एक आम बच्चा खास हो जाता है। ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर्स जब पहली बार डायग्नोस होते हैं तो परिवार डर से घिर जाता है, लेकिन ज़रूरत है सही जानकारी होने की। इसलिए विशेषज्ञों के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि क्यों एक आम बच्चा खास हो जाता है और कैसे सही समय पर पहचानें कि आपका बच्चा अपने हमउम्र बच्चों से अलग तो नहीं, और अगर है तो क्या होना चाहिए आपका पहला कदम। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानियों की वजह से, आनुवांशिक कारणों से, जल्दी जन्म लेने की वजह से या फिर कुछ अन्य कारणों से भी बच्चों में विकास संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से अलग हो सकते हैं। विकास की यही कमी उन्हें अलग बनाती है और खास भी। खास इसलिए क्योंकि उन्हें बाकी बच्चों से ज्यादा केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, जिसमें कि जेनेटिक रीजंस होते हैं, जिसमें कि सोशल और एनवायरमेंटल रीजंस या एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक रीजंस दोनों जब कंबाइन होते हैं उसकी वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे का जो मदर होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है उसमें माल नरिशमेंट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी या कोई ड्रग इंड्यूस्ड दिक्कतें होती हैं जिसमें ड्रग्स लेते हैं पेरेंट्स, या जल्दी बच्चे का पैदा होना जिसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर बेबीज जो होते हैं, उन सब बच्चों को हम बोलते हैं हाई रिस्क बेबीज। जानकार मानते हैं कि समाज में बच्चे के विकास से जुड़ी कुछ गलत अवधारणाएं हैं। यूजुअली जब नए पेरेंट्स जो होते हैं जिनका पहला बच्चा यूजुअली होता है, उनको माइलस्टोन्स के बारे में नहीं पता होता, और घर पे जो होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे हमारी मिथ फॉलो करेंगे कि लड़का जो है जी लेट बोलता है, उसके बच्चे ने इस एज पे बोला था कोई बात नहीं 2 साल ही है अभी 1 साल और रुको, तो दिस इज अ मेजर मिथ एंड अ कैटास्ट्रोफ जो कि एक पेरेंट के साथ हो सकता है। अगर बच्चा विकास के पैमाने पर सही समय पर नहीं पहुंच रहा है तो आपको उसके प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के विकास को पूरा ऑब्जर्व किया जाए और उनकी वेलोसिटी देखी जाए, जैसे ग्राफ चार्ट किया जाए कि अपने हिसाब से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। 1 से 1.5 वर्ष की उम्र का बच्चा अगर स्माइल, आई कांटेक्ट, नाम सुनने पर रिस्पांस देना, ऑब्जेक्ट को फॉलो करना, चलना और मीनिंगफुली शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता तो आपको तुरंत बच्चों के विकास के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। बच्चों की में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव करते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं और ये उनका विकास होता है, तो उस विकास को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जनरली इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान बीमारियों की तरफ और वैक्सीनेशन पे होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कम, विकास पे कम ध्यान देते हैं, जबकि वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जितनी जल्दी हम इन प्रॉब्लम्स को पिक करते हैं, क्योंकि ये विकास का समय है और प्रॉब्लम को हम जल्दी पिक कर लेंगे तो वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सही तरीके से सही समय पर विकास ना होने पर बच्चों में कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑटिज्म है, लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपने सुना होगा डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, हमारे पास फ्रेजाइल एक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, ADHD होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसमें अटेंशन कम होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव ज़्यादा होता है।